हेलो दोस्तों, आज मैंने दो रसल स्वाइपर को रेस्क्यू किया था जिसकी पूरी जानकारी मैं आगे वीडियो में देने वाला हूं। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं स्नेक रेस्क्यूअर प्रसाद कवटेकर। आज हमने ये जो हरोली गाँव है हमारे तालुका में, इस वहाँ पर दो स्नेक रेस्क्यू किए थे जिसको रसल स्वाइपर और मराठी में घोनस कहते हैं। इसको दोस्तों लोग ज़्यादातर अजगर नाम से पहचानते हैं, अजगर कहते हैं इसको। लेकिन धोखे में आके जब इसके पास में जाते, कोई कोई इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो ज़्यादातर इसकी बाइट से लोग वहाँ पे मर जाते हैं दोस्तों। तो इसको पहचानने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसकी पहचान बता रहा हूँ। ये जो रसल स्वाइपर होता है दोस्तों, इसके शरीर पर आपको ये काले काले तीन दाग दिख रहे होंगे। इस प्रकार इसके पूरे शरीर पर जो दाग फैले रहते हैं, इसको पहचानना बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसके बॉडी पे जो धब्बे होते हैं, यही एक इसकी खास पहचान होती है। अजगर के शरीर पे ऐसे निशान बिल्कुल नहीं होते, इसके बॉडी पे आपको पट्टे दिखाई देंगे। ये रसल स्वाइपर की पहचान होती है दोस्तों। और ये बहुत ही जहरीला स्नेक, हमारे भारत में जो चार बहुत जहरीले सांप मिलते हैं उसमें से दो नंबर का ये रसल स्वाइपर होता है दोस्तों। बहुत ही जहरीला न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम इसके अंदर होता है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिससे कि दोस्तों हमें पैरालिसिस भी हो सकता है और कोमा में जाके थोड़ी देर में हमारी मौत भी हो सकती है। तो ज़्यादातर इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो सांप होता है दोस्तों, ज़्यादातर पथरीलो इलाकों में या फिर जो हमारे यहाँ पे गन्ने की खेती है उसमें ये सांप ज़्यादातर पाया जाता है। पानी के इलाके में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो जहाँ पे हम खेती में काम वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारे सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे सांपों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और अपने पास वाला जो स्नेक रेस्क्यूअर है उसे कॉल करके ऐसे सांपों को मारना नहीं चाहिए दोस्तों। ये भी प्राणी है, इनको बचाना भी हमारा काम होता है। इस तरह के भारत में पाए जाने वाले सभी जहरीले सांपों का वीडियो बना के मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो सभी वीडियोस को देखिए।